ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम दिल्ली में राहुल गांधी से उनके आवास पर मिले। राहुल के घर पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच घमासान मचा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी भी चाहते हैं कि भूपेश बघेल सीएम की कुर्सी छोड़ दें और मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बने। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विवाद को सुलझाने के लिए ही सीएम बघेल को दिल्ली तलब किया गया है। वहीं टीएस सिंहदेव भी राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। सीधे 12 तुगलक लेन चलते हैं दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के बाहर से। हमसे सीधे राहुल गौतम जुड़े हैं। राहुल, इस वक्त क्या मीटिंग ओवर हो चुकी है, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं, क्या मीटिंग खत्म हो गई है? देखिए, प्रियंका गांधी हालांकि यहां से निकल चुकी हैं, लेकिन जो मीटिंग है वो बदस्तूर चल रही है। अभी भी अंदर मौजूद हैं सीएम भूपेश बघेल, इसके अलावा पीएल पुनिया भी अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं इस मुलाकात को चलते हुए, तो मायने निकालना काफ़ी आसान है कि जाहिर है एक बहुत गहन डिस्कशन चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के फ्यूचर को लेकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी की दुविधा ये है कि आखिर अगर वो अपने वादे को पूरा करती है, अगर आलाकमान जो 2.5 साल का फॉर्मूला हुआ था, जैसे कि बताया जाता है टी एस सिंहदेव के करीबियों के द्वारा, तो जाहिर है एक ओबीसी नेता, एक बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ के अंदर जो कि भूपेश बघेल है, जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज हैं, जाहिर उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त 40 एमएलए छत्तीसगढ़ के एआईसीसी मुख्यालय में मौजूद हैं, वहाँ वो मुलाकात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल के साथ में। तो जाहिर है एक काफ़ी प्रेशर है आला कमान पे कि आखिर वो किसके हक में फैसला दे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ठीक है राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आपके पास आएंगे।